Hello student, how are you? I hope you all are fine at home. Today we are going to discuss about test of divisibility. What? Test of divisibility. If a number is a divisor of second number, then the second number is divisible by first. For example, three is a divisor of three is a divisor of six or not? It means six is divisible by three. You can say that six is divisible by three. Understand? Three six ka divisor hai ya factor hai. तो हम उसे कह सकते हैं कि सिक्स थ्री से डिविजिबल होगा. डिविजिबल मतलब इफ वी डिवाइड द रिमाइंडर बिकम जीरो. रिमाइंडर जीरो आएगा तो हम कहते हैं इसे डिविजिबल. देखो सिक्स डिवाइड करो थ्री से, थ्री टू सिक्स रिमाइंडर जीरो. तो सिक्स इज डिविजिबल बाय थ्री. कोई भी नंबर होगा दैट नंबर इफ डिविजिबल बाय थ्री अगर आएगा तो अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा. तो ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा. ओके अब टेस्ट करेंगे. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हम पढ़ रहे हैं ना. टेस्ट करेंगे क्या कोई कुछ नंबर दिया होगा ये क्या टू से डिविजिबल है, क्या ये थ्री से डिवाइड होगा, क्या ये फोर से डिवाइड होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे कुछ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. ओके रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी. Rules of divisibility rule of two. कोई भी नंबर टू से कब डिवाइड होगा? ए नंबर is divisible by 2 if is 1's place digit is divisible by 2. ए नंबर कब दो से डिवाइड होगा, टू से कब डिवाइड होगा, जब उसका वंस प्लस डिजिट टू से डिविजिबल होगा. और वी कैन से लाइक दैट डिविजिबल बाय टू इफ इट्स वंस प्लस हाफ जीरो टू फोर सिक्स या एट. अगर वंस प्लेस में जीरो टू फोर सिक्स या एट होगा, इफ इट्स वंस प्लेस ऑफ जीरो टू फोर सिक्स और एट, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय टू. फॉर एग्जाम्पल थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव, क्या ये टू से डिविजिबल होगा? वंस प्लेस को देखो, वंस प्लेस में क्या जीरो टू फोर और सिक्स के बीच में कुछ है? नहीं है. तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय टू, नॉट डिविजिबल बाय टू. क्या ये होगा 5986? हाँ, वंस प्लेस में सिक्स है या वंस प्लेस टू से डिविजिबल होगा कि नहीं, दैट्स व्हाई दिस हो टोटल नंबर इज 5986 इज डिविजिबल बाय टू. इट इज डिविजिबल बाय टू. अगर हम इस नंबर को टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा. ये कहता है डिविजिबिलिटी रूल. ओके और एक नंबर देखो, ऐसे कुछ बड़ा नंबर होगा,
जितना बड़ा नंबर हो हम उसे बिना डिवाइड करके कह सकते हैं ये टू से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ उसका वंस प्लेस को चेक करेंगे। क्या करेंगे? उसका वंस प्लेस को चेक करेंगे। वंस प्लेस में क्या है? वंस प्लेस में 8 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 2 से। दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2, दैट्स द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। ek number kab 3 se divisible hoga? jab uska digits ka sum 3 se divisible hoga, tab ye number 3 se divisible hoga। dekho example lete hain, 7524। 7524, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा? क्या ये नंबर को अगर 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा? क्या कहता है रूल? कहता है अगर इसका डिजिट का सम निकालो पहले, क्या होगा? 7 + 5 + 2 + 4 कितना आता है? 7 + 5 = 12, 12 + 2 = 14, 14 + 4 = 18। क्या 18 3 से डिविजिबल होगा? हाँ, 3 = 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, दैट्स व्हाई 7524 आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्या लिखना आंसर? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 7524 इज डिविजिबल बाय 3, सो 7524 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। उसका सम निकाला, अगर सम आएगा तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि सम अगर डिविजिबल होगा तो इजीली पता चल जाएगा कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं। और एक एग्जांपल लेते हैं, 592। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? देखते हैं, सम नंबर 5 + 9 + 2, 5 + 9 = 14, 14 + 2 = 16। क्या 16 2 3 से डिविजिबल होगा? क्या 16 3 की टेबल में है? नहीं है, तो 16 3 से डिविजिबल नहीं होगा कि नहीं। दैट्स व्हाई 592 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, अगर ये बड़ा नंबर हो गया तो क्या करना है? देखो, अगर तुम सम कर दे फिर भी वो एक बड़ा नंबर आ गया, क्या करेंगे? स्टेप फिर उसे सब ऐड कर दो, 1 + 8 = 9 आ गया। अब तो पता चल गया ना, 9 होता है तो ये नंबर भी होगा। ऐसे करना है, डिविजिबल लाइक 4। ए नंबर इज डिविजिबल लाइक 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। ओके, एग्जांपल 7524। हमारे पास एक नंबर है 7524, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? क्या करें? रूल क्या कहता है? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। नंबर फॉर्म्ड बाय 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस क्या है? नंबर कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है? 24। क्या 24 4 से डिविजिबल है? यस और नो? यस, इट इज डिविजिबल बाय 4, cos इज 24। दैट्स व्हाई 7524 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ओके, 7524 इज डिविजिबल बाय 4 बिकॉज नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4।
नंबर फॉर्म बाय टेंथ प्लेस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय फोर. दो लास्ट दो डिजिट का देखना ये क्या फोर से डिविजिबल है. अगर है तो होल नंबर आल्सो डिविजिबल बाय फोर. अरे एकदम देखो क्या 340 डिविजिबल बाय फोर. ये सब ना देखते हैं लास्ट नंबर फॉर्मूला लास्ट टू डिजिट क्या होता है. 14 फोर से डिवाइड होता है नहीं. दिस इज 14 इज नॉट डिविजिबल फॉर. दैट्स व्हाई 314 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय फोर. ओके नाउ डिविजिबल बाय फाइव. बाय फाइव ए नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव. If one's digit is 0 or 5. एक नंबर कब 5 से डिविजिबल होगा जब उसका वन्स प्लेस में वन्स डिजिट में क्या होगा 0 या 5 होगा. देखो एग्जाम्पल 8300 क्या ये 5 से डिविजिबल होगा. देखो है होगा कि नहीं. यस दिस इज डिविजिबल बाय 5. व्हाई बिकॉज इन इट्स वन्स प्लेस इट्स वन्स डिजिट क्या है 0 है. दैट्स व्हाई दिस इज डिविजिबल बाय 5. और एकदम देखते हैं 7395 इज इट डिविजिबल बाय 5. यस और नो. यस दिस इज डिविजिबल बाय 5. व्हाई बिकॉज इन इट्स वन्स प्लेस दिस इज 5. अगर वन्स प्लेस में 5 होगा या 0 होगा तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा नहीं. क्यों नहीं होगा बिकॉज इसका वन्स प्लेस में क्या है 3 है. वन्स प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए. इसका वन्स डिजिट में क्या होना चाहिए 0 या 5. तब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिविजिबल रूल ऑफ 6. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. एक नंबर कब 6 से डिविजिबल होगा जब उसका वो नंबर बोथ 2 से भी 3 से भी डिविजिबल होगा. 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं देखो ये तो होगा 2 से क्योंकि पता है हमें वन्स प्लेस में 0 है. ये 2 से होगा 3 से होगा कि नहीं सम कर देंगे. देखो क्या करेंगे फास्ट क्या करेंगे चेक करना है 2 से होगा कि नहीं. इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. 2 से होता है कि नहीं देखो पहले वन्स प्लेस में क्या है 0 है कि नहीं. दैट्स व्हाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अब 3 से चेक डिविजिबल बाय 3 और नॉट. चेक एक नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा जब उसका सम क्या होगा डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा. सम निकालो 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 0 एड कर दो. 6 प्लस 8 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 7 दैट इज 24. क्या 24 3 से डिविजिबल है. 3 एट द 24 यस 24 इज डिविजिबल बाय 3. दैट्स व्हाई दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3 और नॉट. दैट्स व्हाई द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. आंसर क्या लिखना है 16370 इज डिविजिबल बाय 3 डिविजिबल बाय 6 बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3. ये 2 एंड 3 से डिविजिबल होता है. दैट्स व्हाई दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. ओके ऐसे कुछ नंबर दिया होगा तुम उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना.
I hope you understood better what we discussed today. In next class, we'll discuss more about this of the division rule of 8, 9, 10, 11. Okay? That's all about today's class. Thank you.